हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी भर्ती रिजल्ट मंडी परिषद रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों के रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों के रिजल्ट एग्जाम एंड ज्वाइनिंग को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान है और इन चार सालों में एक भी भर्ती पूरी नहीं की गई है। तो अब आयोग ने काम शुरू इसलिए किया है क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के रिजल्ट भी जारी होंगे और ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो युवा कल्याण अधिकारी भर्ती एंड AGT 2018 का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन मंडी परिषद के स्टूडेंट लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मंडी परिषद के स्टूडेंट इस रिजल्ट का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मंडी परिषद का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो युवा कल्याण अधिकारी के स्टूडेंट एंड AGT 2018 के स्टूडेंट ने रिजल्ट को लेकर बहुत मेहनत की है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया है। तो इतनी मेहनत के बाद इन भर्तियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं, इसलिए अब स्टूडेंट मंडी परिषद रिजल्ट को लेकर 23 जून को विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को 23 जून को यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ पहुंचना होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट सहयोग जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 23 जून को यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन पहुंचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।